टीएमसी के वर्कर भी ज्यादा कुछ नहीं है, वर्कर भी मैदान में नहीं संभाला। वो पहले से इतना धमकी पिटाई हर बूथ पर चल रहा है भाजपा का कार्यकर्ता का पास। आज भी रात 1 बजे से शुरुआत किया, पुलिस प्रशासन ने कोई फोन भी पकड़ते नहीं, ऐसा काम चल रहा है। ये कहीं ये वोटिंग नहीं हुआ, जो हुआ लुटतराज हुआ। ये गॉड जान सकते हैं ऐसा वोट चलेगा तो कैसे क्या होगा। लेकिन आपने जिस तरह से लोकसभा में अगर बात करें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट से लीड लिया है, 1,70,000 वोट से लीड लेके इस रानाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल की है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का गढ़ है ये? आप जिस तरह से आपने जीत हासिल किया तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? 1,87,000 में जीता में है, लेकिन यहाँ 37,000 में असेंबली में मैं जीता। तो फिर दोबारा जो हार चुका है उनका कैंडिडेट बना है, इनका मनसा क्या है, तो इसलिए सोच लिए क्या होगा रिजल्ट। तो यहाँ जो काम चला पुलिस प्रशासन का नेतृत्व में हुआ, चुनाव आयोग इनका पता ही नहीं, वो खिलाफ ही काम कर रहा है। सेंट्रल फोर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई काम नहीं किया, उनका पता ही नहीं, उनके सामने भी आदमी का पिटाई हो रहा है, उनका अभी धमकी चला रहा है, छप्पा मार रहा है, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है। पुलिस प्रशासन का नेतृत्व में चल रहा है, पुलिस का जो कैरेक्टर बंगाल का आप तो सब जानते हैं। फ्री एंड फेयर का चुनाव पॉसिबल नहीं है बंगाल में? देखिए ममता का नेतृत्व में कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ये चेंज करके ही होना चाहिए। बंगाल में वो इमरजेंसी देकर ही चुनाव होगा तो सही ढंग से होगा। इस बार जो चुनाव हुआ सेंट्रल में, इसमें भी बहुत गलत था, सेंट्रल सिक्योरिटी ज्यादा सही ढंग से काम नहीं किया, वो काउंटिंग में बहुत गलत था। फिर भी जिस तरह से आपने यहाँ पे अपना जीत हासिल किया दादा, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को कहीं पे क्या और किस चीज पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने इस संगठन की अगर बात करें? एक ही बात बोलूं मैं, संगठन बूथ स्तर पे मजबूती करना, इसलिए जितना काम कीजिए बूथ मजबूत कर सकते तो बहुत कुछ हो सकते। क्या लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ खामियां है? तो है ही तो है, अभी भी है, बहुत कमी है। तो क्या किस तरह से भरपाई की जा सकती है क्या? देखिए माहौल भाजपा का अनुसार ही है, जनता देने के लिए तैयार है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करके एक ही दिशा से चलाना, जो कर सकते हैं वो जीत सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं। तो क्या यहाँ पे सब लोग एक साथ नहीं है क्या? देखिए वो जो हुआ पुलिस प्रशासन ने जितने धमकाया चमकाया, तो इसलिए जनता ने थोड़ा घबरा गया इस बार, इसलिए क्या होगा चुनाव के नतीजा आने के टाइम समझ आ जाएगा। तो संगठन को और क्या बंगाल में बीजेपी का आगे आने वाले दिनों में लगता है 2026 में भी चुनाव है दादा, क्या एक बड़ी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे लेके आगे जाने की तैयारी में भी है? देखिए पार्टी जो जिम्मेदारी देता है पालन करना हमारा काम है, ये तो मांग के नहीं होता। क्या सोच रहा है पार्टी ये उनका काम है, मैं सैनिक हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि राज्य सभापति का भी एक अभी पद यहाँ पे नए चेहरे को लाया जा सकता है, तो क्या जगन्नाथ सरकार नया अब पश्चिम बंगाल का राज्य सभापति होने का लाइन में भी है? देखिए ये तो पार्टी का मामला है, मेरा मामला नहीं है। हमारा सेंट्रल लीडर है, वो सोचेंगे किसका कंधे पर जिम्मेदारी देने का रिजल्ट अच्छा होगा, वो किसका कहाँ यूज करने के लिए मनसा है वो बोल सकते, मैं कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।